बड़नगर के शासकीय कन्या स्कूल में अनियमितताओं का अंबार है। छात्राओं ने शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें वहां किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती। वहीं उनसे साफ सफाई के काम कराए जाते हैं। छात्राओं ने कहा कि यहां शिक्षक भी समय से स्कूल नहीं पहुंचते और शिक्षा व्यवस्था भी बदहाल है। शासकीय कन्या स्कूल में अनियमितता की सूचना पर पत्रकारों की टीम कवरेज करने पहुंची तो यहाँ मौजूद शिक्षक भगवान मारू ने पत्रकार के साथ अभद्रता की और हाथ से मोबाइल छीन लिया। इतना ही नहीं, शिक्षक ने पत्रकारों से अपशब्द भी कहे। शिक्षक का ऐसा व्यवहार खुद अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है। यहाँ पर हमको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती। हम लोगों को पीटी नीचे बैठा कर करवाते हैं, जिससे हम लोगों को सीटियाँ काटती है, हम लोगों को लेट टाइम तक छोड़ते, जिससे गांव की लड़कियों को बस से जाने में दिक्कत होती है, वो 7 बजे तक घर पहुँच पाती है। उसके बाद हम लोगों से चपरासी का काम करवाते, बेंचें उठवाना, झाड़ू लगवाना, सब कुछ हमसे करवाते हैं। यहाँ तक कि चपरासी भी बैठे बैठे देखते हैं, हम लोगों से पूरा काम करवाते हैं और गार्डन की सफाई भी हमसे ही करवाते हैं। हाँ, मुझे भी पत्रकार नगर ने बतलाया फोन पर, तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास कुछ शिकायत आएगी तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भेजूँगा। कार्यवाही करने का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ही है, वहाँ की जो भी कार्यवाही होगी वो वरिष्ठ अधिकारी करेंगे।